हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग एंड फ्रेंड्स। जैसे मैंने लास्ट व्लॉग में शेयर किया, न्यू कार आ चुकी है, तो एक राइड ऐसे भी बनती है। तो यहाँ पर क्या है, सैंडी का स्कूल की छुट्टी का टाइमिंग और मेरा हॉस्पिटल से निकलने का टाइम सेम है। तो यहाँ पे क्या, हस्बैंड सैंडी को लेने गए हुए थे, उन्होंने मेरे पास फ़ोन कर दिया था कि वापस आती बार मैं तुम्हें भी पिक कर लूँगा। तो हम दोनों भी साथ में ही जा रहे हैं। और जैसे न्यू कार है तो सैंडी इसको थोड़ा सा एक्सप्लोर करता रहता है, मतलब उसको ये लग रहा था यहाँ क्या है और यहाँ कैसे करना है। एंड यस, यहाँ पर क्या है, यहाँ से आज मैं जूस ले रही हूँ। वैसे मैं जूस की जगह फ्रूट्स खाना प्रेफर करती हूँ, बट इस टाइम पे क्या है, मेरी तबीयत थोड़ा ठीक नहीं चल रही है, एक अलग ही वीकनेस रहती है शरीर में, तो थोड़ा सा जूस ऑप्शन पे चले जाते हैं। अदरवाइज़ मैं तो आप लोगों को भी रिकमेंड करूँगी जूस की जगह फ्रूट्स खाएँ तो वो ज़्यादा बेहतर है। और यहाँ पे क्या है, जैसे मैं आपको बता रही थी सैंडी कुछ कुछ कर रहा है, और यहाँ पे जैसे कि सनरूफ है तो सैंडी को बड़ा अच्छा लगता है। मतलब कार में हम एसी ऑन करेंगे ना, तभी वो ऊपर उसको ऑन खोल के बैठ जाएगा। तो बल्कि कहते भी हैं कि अभी एसी ऑन है, तो मतलब वही है जैसे होता है ना, नई नई चीज़ है, नए नए शौक चढ़ते हैं। तो इसको सैंडी कुछ कुछ छेड़ता रहता है। यहाँ पे एयर बैग्स के बारे में पूछ रहा था, कहाँ से कैसे निकलेंगे ये सब चीज़ें, और बस मैं उसको देख रही थी। और देखो फिर अब उसने क्या, मतलब ना कुछ उठा के दिखा रहा है, कर रहा है, ये सब चीज़ चल रही हैं इसकी। पहले वो पापा जी की कार में बैठता था, बट इस तरह की चीज़ें वो नहीं करता था। और इसमें पता नहीं इसको क्या शौक चढ़ा है, तो इसके सामने नई नई कार आई है ये, तो इस वजह से इसको शायद कुछ ज़्यादा ही है। और जैसे मैंने बताया था, हम जूस के लिए रुके थे तो थोड़ा वेट कर रहे थे। यस, जैसे कि आपने ना मेरी साड़ी की बहुत तारीफ़ की थी, तो मैं आज के व्लॉग में शेयर करूँगी अपनी साड़ी का पूरा लुक कि किस तरह से थी, क्योंकि वैसे तो मैंने वीडियो में कैप्चर नहीं किया था, इसमें करूँगी। एंड यस, जब हम घर गए थे ना, तो दीदी ने क्या था, पिज़्ज़ा बेस बनाया हुआ था। ये होममेड पिज़्ज़ा बेस है, इसमें मतलब मैदा तो है, साथ में कुछ आटा भी है। और ये जिस दीदी ने एक एक्सपेरिमेंट किया था, तो बेस काफ़ी सही बन गया था। तो फिर हमारे पास और चीज़ें ऐसे अवेलेबल नहीं थी, क्योंकि दिमाग में ऐसा कुछ नहीं था कि हम बनाएंगे पिज़्ज़ा। तो बस हमने क्या किया, मतलब चीज़ रखा हुआ था कुछ, तो बस सॉस लगा के, और इसमें अनियन डाल दी, टमाटर वगैरह नहीं डाले थे, जो बच्चे हैं उनको सिर्फ अनियन ज़्यादा पसंद है और इंस्टेड ऑफ टमाटर, तो वो सब हमने नहीं डाले थे। बस प्याज डाल के इस तरह से चीज़ हम इसमें डाल देंगे, और हम जस्ट ट्राई कर रहे थे। सारा आइडिया दीदी का है, मैं तो जस्ट बस कर रही हूँ वीडियो में कि बस थोड़ा सा देखते हैं कैसा बनेगा। तो हम फिर इसको बेक करने के लिए रखेंगे। बेक भी गैस पर ही किया था, इसको उठाकर हमने पैन पे रख दिया था और ऊपर से प्लेट से कवर कर दिया था। और ये अराउंड इसको सिर्फ 5 मिनट लगे होंगे, क्योंकि जो बेस है वो पहले से ही सिका हुआ है, और बस जो चीज़ है उसको मेल्ट होने में सिर्फ 5 मिनट के करीब ही लगे थे। अभी मैं आपको दिखाऊंगी। और आपने देखा कि हमने बहुत कम इंग्रेडिएंट्स डाले थे, क्योंकि ऐसा कुछ माइंड में था ही नहीं। लेकिन जब ये मतलब जैसे चीज़ मेल्ट हो गया, ऊपर से ओरिगैनो और चिली फ्लेक्स डाल दिए थे, तो इसका टेस्ट बहुत अच्छा आया था। ये तो एक एक्सपेरिमेंट के तौर पे है, बाकी फिर तो मतलब बहुत, मतलब जो भी चीज़ आइटम्स होते हैं सबके साथ हम दोबारा से करेंगे ट्राई, फिर दिखाएंगे। नीचे से भी मैं दिखा रही थी कि पूरा सिका हुआ है। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको ये अपना लिप शेड दिखाना चाहूँगी, फेसिस कैनेडा का है ये। और ये क्या है, इसका नाम है नेचुरल कोको नंबर 12। तो ये वाला आप ज़रूर ट्राई करके देखिए, जैसे कि आप लोग पूछते हैं ना मुझसे, ये वाला शेड मैं जब भी लगाते हैं आप पूछते हैं कि अपना शेड आप बताइएगा, तो ये शेड मैं यहाँ लगा के दिखाती हूँ। ये शेड कुछ इस टाइप से है और ये बहुत ही सुंदर लगता है। तो यस, आप तो काफ़ी टाइम से पूछ रहे थे, तो मैं, और ये मेरा भी फेवरेट है। और यहाँ पर मैं वो साड़ी आपको दिखाने जा रही हूँ जो आपको बहुत पसंद आई थी, जो मैंने उस दिन पहनी थी जब लास्ट व्लॉग में जो मैंने पहनी थी शेयर किया था। तो ये कुछ इस टाइप से है, और इसमें टेसल्स लगे हुए, मेरी फेवरेट चीज़ है आजकल टेसल्स, दुपट्टा हो या कुछ भी हो मुझे बहुत पसंद आता है। और ये इस टाइप की है, ये इसके साथ में इसका ब्लाउज था। तो मुझे ऐसी स्लीव्स, इतनी स्लीव्स पसंद है, जैसे आप लोगों ने मैक्सिमम देखा होगा मैं मतलब एल्बो तक की स्लीव्स ही ज़्यादा करती हूँ प्रेफर, तो इतनी स्लीव्स मुझे अच्छी लगती है।
एंड इसी से आपको अंदाज़ा पड़ जाएगा ब्लाउज के पैटर्न से ही कि कुछ देखिए कलर कॉम्बिनेशन ये है, डार्क पिंक है, इसमें येलो है, येलो नहीं इसको कुछ और बोलते हैं ना, नब्बे का काम है इस पर। ठीक है, मैं खोल के दिखाती हूँ आपको। और इसमें जो ग्रीन शेड है बहुत ही पसंद आया था मुझे, आप देख सकते हो, तो ये इस तरह की है। मतलब जो इसमें बहुत सारे कलर्स आ रखे हैं, कलर जो कंट्रास्ट है इसमें वो अमेजिंग है, तो इस वजह बिल्कुल फेस्टिव लुक देती है साड़ी, और मतलब बहुत ही सुंदर है ये। तो मतलब इस तरह की चीज़ें फेस्टिवल्स के लिए मुझे मुझे बहुत सुंदर लगती हैं। इसमें क्या है देखो, ज़्यादा कुछ एम्ब्रॉयडरी भी नहीं है, सिल्क के कपड़े में है, बट जो सबसे प्यारा लगता है कलर कंट्रास्ट है इसका, जो इसको बहुत बेहतर बनाता है। फिर देखिए आप इस तरह के कलर्स हैं इसमें, तो वही है कि और इसमें उस तरफ में देखिए ऑरेंज शेड आ गया है, ये इस तरह के, तो जितने कलर्स होते हैं थोड़ा फेस्टिव वाइब दे रही है, तो इसलिए भी ये आप लोगों को आई थिंक पसंद आई है। और ये जो ये वाला पोर्शन है, ये इसका पल्लू था, तो इस तरह की थी ये साड़ी, तो मैंने सोचा आपको पसंद आ रही थी तो शेयर किया जाए। पूरी ही साड़ी में सारे जो शेड्स हैं वो दिखाई दे रहे होंगे आपको, है ना, तो पूरी साड़ी ऐसी है। और डिटेलिंग मैं कर देती हूँ पास से, तरह का है ये, और जैसे मैंने पहले बताया जो इसको खूबसूरत बना रहे हैं देखने में वो इसके जो डिफरेंट डिफरेंट कलर्स हैं वो है। और यस, एक बात और शेयर करनी है, मैं पहले भी वीडियो में दिखा चुकी हूँ, हमारे यहाँ घर पे चूहा, एक बार तीन चार चूहे आए थे या चार पांच आए थे, फिर से चूहे नहीं चूहा आ गया है। और उसका काम क्या रहता है, जो मुझे लगता है कि वो रात में निकलता है, किचन में जाता है, ऐसा कुछ खाया हुआ भी नहीं मिलता है, बट सुबह जब हम उठते हैं तो जो गैस है ना, गैस के नीचे वो बैठ जाता है, तो पहले 10-15 मिनट उसको निकालने में लगते हैं, जल्दी से निकलता नहीं है। तो हमारे साथ तो ऐसा हो रहा है सीरियसली, मतलब इस चीज़ से ना, हम जो हमारा पहला घर था उसमें भी हमें परेशानी थी, वहाँ भी चूहे आ जाते थे, और इस घर में भी यही है। पता नहीं हमारा चूहों के साथ क्या कनेक्शन है। जैसे मैं अपने मायके की बात करूँ तो जैसे जो चूहियाँ वगैरह होती हैं, ऐसी चीज़ें फिर भी आती हैं और आती निकल भी जाती थी, बट यहाँ पे तो क्या है, शादी के बाद से जो पहला घर था उसमें भी चूहों का आतंक मचा रहता था, कहीं ना कहीं से आ जाते थे, बहुत इंतज़ाम किए थे उस घर में भी। और इस घर की बात करें, अभी क्या है, इस घर में भी ऐसे ही होने लगा कि ये अच्छी बात है कि रूम के अंदर नहीं आता है, चूहा बड़ा समझदार है, किचन तक रहता है सीमित, मतलब वो कहीं तो छुपता है, शायद मे भी आगे वाले रूम्स में छुप जाए, पीछे तक नहीं आता हो, वरना तो सोना भी मुश्किल हो जाए। तो सुबह का टाइम हमारा ऐसे बीतता है पहले 10-15 मिनट इसमें निकालने में, तो दोनों घरों में यही परेशानी रही है बहुत ज़्यादा, मतलब ये चीज़ हमारी मतलब पीछा नहीं छोड़ रही है। खैर, और फिर जैसे अलग अलग चीज़ें आती हैं, मतलब चूहों को पकड़ने के, जैसे चूहेदान वगैरह तो लगा देते हैं, उसमें आ भी जाता है कई बार, लेकिन ये कोई सॉल्यूशन नहीं दिखता। और फिर बहुत सी चीज़ें जो हैं लोग उनको अच्छा नहीं बताते कि नहीं करना चाहिए चूहे पकड़ने के लिए, जैसे होते हैं ना ट्रैप बिछा देते हैं, वो चिपक जाते हैं, तो वो अच्छा नहीं बताते कि फिर उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, तो वो तो हम नहीं करते हैं, बस चूहेदान में उनको पकड़ के बार बार छोड़ के आते हैं, हफ्ता 2 हफ्ता मुश्किल से बीतते हैं, फिर आ जाता है कोई ना कोई कहीं से, पता नहीं कहाँ से रास्ता बनाया हुआ है इन्होंने। अभी शाम का टाइम है, पापा जी खाटू श्याम जी जाएंगे, पापा जी का डेंटल ट्रीटमेंट चल रहा है, जैसे थोड़ा ओल्ड एज हो रही है, तो एक दांत तो पापा जी का टूट गया था अपने आप ही, फिर उसका पूरा फिर जो बाकी बचा हुआ था एक्सट्रैक्शन कराया, ऐसे कुछ कुछ ट्रीटमेंट हुआ है। तो खाने में थोड़ी सॉफ्ट डाइट ले रहे हैं वो अभी, और सॉफ्ट में भी जैसे मीठा हमारे फैमिली के लोगों को बहुत पसंद है, मेल मेंबर्स को, तो मीठे में थोड़ा सा हलवा वगैरह बनाएंगे, वही खा के जाएंगे पापा जी। ठीक है, तो इस तरह की डाइट है, तो करते हैं थोड़ी तैयारी। ठीक है, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।